लुक बेटा, दिस इज एक्सरसाइज 1.2, ओके? क्वेश्चन नंबर 5, ओके? टिल हियर वी हैव कंप्लीटेड एंड वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चंस. नाउ टुडे वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 6. राइट 5 रेशनल नंबर्स ग्रेटर देन माइनस 2, ओके? हियर वी हैव टू राइट 5 रेशनल नंबर्स व्हिच इज ग्रेटर देन माइनस 2. देयर आर मेनी नंबर्स फ्रेंड्स व्हिच इज ग्रेटर देन माइनस 2, बट हियर वी नीड ओनली 5 रेशनल नंबर्स, ओके? So we have to write only 5 rational numbers. So friends, you can write, standard 8. Again I repeat because ये मैं record भी कर रही हूँ, YouTube पे भी share करूँगी आपसे. So standard 8, chapter 1, exercise 1.2 and its question number 6. Okay? So write down these. There can be many rational numbers greater than minus 2. Because बेटा हमको पता है माइनस टू से अगर ग्रेटर नंबर आपको लेना है तो बहुत सारे इनफिनाइट बराबर बहुत सारे नंबर्स है, बट हियर वी हैव टू चूज ओनली 5 रेशनल नंबर्स, ओके? तो हम यहाँ पर लिखेंगे एनी 5. सो माइनस 3 अपॉन 2, माइनस 1 अपॉन 4, 0, 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 5, ओके? ये 5 नंबर्स भी आप लिख सकते हैं. और अगर आपको अनदर 5, कोई और 5 नंबर्स आपको अगर लिखने हैं, ठीक है, यू कैन राइट डाउन दैट नंबर ऑल्सो. ओके, सपोज इफ यू वांट टू राइट क्वेश्चन 6 में आपको लिखना है कि भाई माइनस 3 अपॉन 2, 1, ओके, 1 इज आल्सो ग्रेटर देन माइनस 2, माइनस 1 अपॉन 2 इयर्स, देन 0 इज आल्सो ग्रेटर देन माइनस 2, है ना बेटा? 0 भी माइनस 2 से ग्रेटर नंबर है, 1 अपॉन 2, ओके, हियर इज 5 नंबर इज ओवर, 1, 2, 3, 4, 5, 5 नंबर यहाँ पर ओवर हो रहे हैं, हमको सिर्फ 5 ही नंबर लिखने हैं. Okay, this is 5 rational numbers which are greater than minus 2. जो हमने लिखे हैं ये 5 rational numbers and we need greater than minus 2. तो हमने ये 5 numbers लिखे हैं, okay? Now question number 7. What is question number 7 of exercise 1.2? Look, find 10 rational numbers बिटवीन 3 अपॉन 5 एंड 3 अपॉन 4, ओके? हमको क्या फाइंड आउट करना है, 10 रेशनल नंबर्स और किस नंबर्स के बिटवीन है 3 अपॉन 5 एंड 3 अपॉन 4. फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज हमको क्या करना होगा, फर्स्ट कन्वर्ट 3 अपॉन 5 एंड 3 अपॉन 4 हैविंग द सेम डिनोमिनेटर्स, ओके? सेम डिनोमिनेटर्स में हमको उसको कन्वर्ट करना होगा सच दैट द डिफरेंस बिटवीन देम न्यूमिनेटर्स इज मोर देन 10. तो हमको ये जो न्यूमिनेटर्स है उसका डिफरेंस कितना लेना होगा, मोर देन 10, बिकॉज we need 10 rational numbers here, है ना बेटा? तो हमको क्या करना होगा, ये numerator जो है उसका difference 10, more than 10 रखना होगा, और ये जो denominator है उसको हमको same करने होंगे, equal करने होंगे. So first, you can see this screen clearly ना बेटा, properly आपको seen हो रहा है ना? Then good. चलो, अभी हम क्या करेंगे? We have two numbers. First is 3 upon 5 and second rational number is 3 upon 4. So first हमको ये जो दोनों denominators है 5 and 4, okay? हमको इसको किस में convert करना है, same number में convert कर देना है. तो हमको दोनों को multiply, चलो हम करेंगे, and such that the difference between the numerators is more than 10. हमको ये भी ख्याल रखना है कि ये 3 और 3 के जो difference होगा ना वो 10 से ज्यादा होना चाहिए, तभी तो हम 10 rational numbers find out कर पाएंगे. तो पहले हम क्या करेंगे, देखो 20 लेंगे, 5 20, 5 20 जा 100, है ना? तो हम यहाँ अगर ये जो डिनोमिनेटर को हम 20 से मल्टीप्लाई करते हैं, देन वी विल मल्टीप्लाई, ओके, न्यूमिनेटर विथ 20 आल्सो. तो हम यहाँ पर भी 20 लिखेंगे, सो 23 जा 60. नाउ 3 अपॉन 4, तो हमने यहाँ पर जो आंसर है, हमको तो डिनोमिनेटर दोनों डिनोमिनेटर सेम करने हैं, तो यहाँ पर 100 है, तो वी विल मेक, ओके, वी विल राइट हियर 100. हमको यहाँ पर भी ओवर हियर 100 हमको लिखना है. तो अब हम 4 को कौन से ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई दैट वी विल गेट 100 एज अवर प्रोडक्ट. तो 4 25, ओके, 25 4 जा 100. इफ वी विल मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर विथ 100, सॉरी 25, देन हमको जो हमारा न्यूमरेटर है उसको भी 25 से मल्टीप्लाई करना ही होगा,
okay, compulsory. So 25 threes are 75. Guys, here you can see that both the denominators are same. Okay, now both the denominators are same, and difference between numerators are more than 10. Okay, difference between numerators is more than 10 because 60 and 75 difference kitna hai dono ke between 15 ka difference ho gaya. Agar hum 60 75 ko nahi count karega to 14 ka something difference ho gaya, matlab more than 10 ho gaya yahan pe almost. Okay, now humko kya karna hai, humko 10 rational numbers find out karne hai between these both numbers. 3 upon 5 ka humne ye kya find out kiya, rational number 60 upon 100, aur 3 upon 4 ko 70 upon 100. अब हम ये जो 3/5 और 3/4 था ना उसको नहीं देखेंगे, हम ये दो नंबर को देखेंगे. सो 60 एंड 75. बेटा मैं आपको बोल दूं कि ये जो हमारा जूम लेक्चर है ना बेटा, ये रिकॉर्ड हो रहा है और मैं ये आपको यूट्यूब पे सेंड करूंगी. सो प्लीज सी इट प्रॉपरली. ओके, जो भी मैं यहाँ से करवा रही हूँ राइट डाउन इन योर नोटबुक, ओके, इन योर मैथ्स नोटबुक, एंड सी इट प्रॉपरली प्लीज. This is my humble request to all of you. So, beta, देखो अभी 60 and 75. As I said earlier, कि आपको क्या करना है, 60 और 75 को नहीं लेना है, because we need difference between 3/5, 3/4. Between का हमको difference लेना है. So we can't take 60 and 75. दोनों के between के numbers हम ले सकते हैं, okay? So let's start. 61 upon 100, we need 10 numbers, okay? 2 upon 100, 63 upon 100, 64 upon 100, 100. अभी मैं चलो बेटा कितने 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 नंबर्स हो गए. अब मैं 68, 69 नहीं लूंगी, डायरेक्ट मुझे जाना है 71 पे. ओके, तो मैं ले सकती हूँ बिकॉज मैं 74 टिल 74, ओके, वहां तक हम नंबर्स सिलेक्ट कर सकते हैं. ओके, अभी हम यहाँ कंटिन्यू ही चले गए, इट्स ओके. अदरवाइज अगर आपको 71 लेना है, 72 लेना है, देन यू विल टेक. चलो 68 के बाद डायरेक्ट में ले लूंगी 70 अपॉन 100 एंड देन 71 अपॉन 100. ओके, काउंट इट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. हमने यहाँ पर 10 नंबर्स जो थे बिटवीन 3/5 एंड 3/4, ओके, जो 10 रेशनल नंबर्स थे, वी हैव फाउंड इट. ओके, हमने ढूंढ भी लिए हैं और यहाँ पर राइट डाउन भी कर लिए. अंडरस्टूड बेटा? ओके, सो विद दिस सम, ओके, क्वेश्चन नंबर 7, विद दिस क्वेश्चन अवर क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 इज ओवर हियर. जो क्वेश्चन नंबर 1 था एक्सरसाइज 1.2, ओके, इट्स क्वेश्चन नंबर 7 टिल हियर वी हैव डन. ओके, नाउ आई एम गोइंग ऑन चैप्टर नंबर 2. व्हाट इज अवर चैप्टर नंबर 2? सो फ्रेंड्स, इट्स नेम लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल. ओके, दिस इज अवर चैप्टर नंबर 2 and its name is linear equations in one variable. So हमको ये chapter देखकर ही लगता है कि linear equation और one variable, तो ये दोनों का हमको जो concept है वो clear करना है. Then we will ready for the solve the sums of this chapter. Okay? Then linear equation हमको समझ में आ जाएगा. Then one variable. तो हमको ये दो चीज समझ में आ गए. Then we will solve all the sums of this chapter. Okay? So first of all, I will start from introduction. In the earlier classes, you have come across several algebraic expression and equations. Okay, आपने algebraic जो algebraic expressions थे, equations थे, you have learnt about it. Some examples of expressions we have so far worked with are, that is 5x, 2x minus 3, 3x plus y, 2xy plus 5, xyz plus x plus y plus z, x square plus 1, y plus y square. बेटा ये सब क्या है, ये सारे equations हैं. Okay, हम इसको क्या बोलेंगे, equation बोलेंगे. और ये कैसे algebraic expression में थे, आपने सिखा है ना in your earlier classes, in 6 and 7 class.
what is algebraic expression and what is equations, okay? ये हमने यहाँ पर अगेन हमने एक बार रिपीट कर दिया, आपको रिवाइज करवा दिया है कि आपको वो सारी बातें याद आ जाए. ओके गाइस, वेरी गुड. चलो अभी आप रेडी हो ना, समथिंग न्यू, कुछ हम आज न्यू सीखेंगे. लीनियर इक्वेशन सीखेंगे इन वन वेरिएबल. ओके सो डोंट बी कंफ्यूज गाइस. ओके हमेशा हमको रेडी रहना है, कुछ नया सीखने के लिए ऑलवेज हमको रेडी रहना, क्योंकि हमको क्या है, जितना हम नया नया सीखेंगे ना बेटा, उतना हम अपने सेल्फ को इम्प्रूव कर सकेंगे. सो आई रीड दिस पैरा. यू वुड रिमेंबर दैट इक्वेशंस यूज द इक्वली. ओके इक्वेशंस यूज द इक्वालिटी. इक्वालिटी की साइंस कौन सी है? ये इक्वालिटी की साइन है. Look, okay. It is missing in expressions. ये जो equal की जो sign है ना, वो expression में missing रहती है. ठीक है, हम expression कैसे लिखते थे, equation सिर्फ कैसे लिखते थे, 5x, 2x minus 3, 3, यहाँ पर कहीं दिखती है आपको equal sign? नहीं, है ना? तो देखो यहाँ पर कुछ example दिए हैं, जैसे कि 5x is equal to 25, 2x minus 3 is equal to 9. 2y plus 5 upon 2 plus is equal to 37 upon 2. है ना, इसमें देखो आपको इक्वल की साइन दिख रही है. फॉर एग्जाम्पल ऑफ दिस गिवन एक्सप्रेशन में है मोर देन वन वेरिएबल, मतलब एक से ज्यादा वेरिएबल में हो सकते हैं, दैट इज 2xy plus 5. देखो यहाँ पर दो वेरिएबल है ना, हमने अभी देखो वन वेरिएबल देखा था, हैज टू वेरिएबल्स. वी हाउएवर रिस्ट्रिक्ट टू एक्सप्रेशंस विथ ओनली वन वेरिएबल व्हेन वी फॉर्म इक्वेशंस. Moreover, the expressions we use to form equations are linear. This means that the highest power of the variable appearing in the expression is 1. देखो बेटा यहाँ पर हमको दिया हुआ है, these are linear expressions. हमको यहाँ पर कुछ expressions दिए हैं जिसको हम linear expressions बोलेंगे, which is that 2x, 2x plus 1. 3y minus 7, 12 minus 5z, 5 upon x minus 4 plus 10. ये जो इक्वेशन है उसको हम कैसे बोलेंगे, लीनियर एक्सप्रेशन बोलेंगे. ये लीनियर एक्सप्रेशन में हमको दिए हुए हैं. दीज आर नॉट लीनियर. देखो यहाँ पर लीनियर नहीं है. y x square plus 1. देखो यहाँ पर कितना है, स्क्वायर, स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है. ओके z यहाँ पर भी स्क्वायर है, नियर क्यूब. वाई दीज आर नॉट लीनियर एक्सप्रेशन, since highest power of variable greater than 1. okay, यहाँ पर क्या है, highest power कितना है, 1 से ज्यादा है. देखो 2 है, sorry 3 है यहाँ पर highest power, cube है ना, z cube. तो ये जो सारे आपको दिख रहे हैं वो linear में नहीं है. linear मतलब सिर्फ 1 जिसके पास power हो ना, या तो फिर 0 power हो, ठीक है, या 1 power हो, तो उसको हम linear बोलेंगे. but here square, square, square and cube, okay. So this is, okay, these are not linear expressions. Here we will deal with equations with linear expressions in one variable only. हम जो ये जो chapter देखने वाले हैं बेटा, okay, here we will deal with equations. ऐसे equations के साथ हम deal करने वाले हैं जो linear expression हो और one variable में हो only. Okay? Such equations are known as linear equations in one variable. यहाँ पर आपको concept clear हुआ? In this chapter, we will deal with equations with linear expression and one variable. ऐसे linear equations हम देखेंगे कि जिसका variable only one हो और वो linear expression हो. Okay, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्या उसको known करते हैं, as linear equations in one variable. Okay, तो हम यहाँ तक इसका जो हम introduction था, वो यहाँ तक introduction cover करते हैं. Now we will go on example one. Okay, we will start with example 1. Example 1, solving equations which have linear expression on one side and numbers on the other side. यहाँ पर एक side linear expression है और दूसरी side number दिया हुआ है. So find the solution of 2x minus 3 is equal to 7. हमको ये जो दिया हो बेटा, ये जो दिया है 2x minus 3 is equal to 7, इसका solution हमको find out करना है. कौन सा नंबर दिया हुआ है,
2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7. सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, दोनों साइड 3 ऐड करेंगे, ऐड 3 टू बोथ साइड. ओके, तो क्या होगा, देखो 3 ऐड करेंगे, सो 2x माइनस 3 प्लस 3, 3 ऐड किया LHS में, नाउ राइट हैंड साइड पे 7 प्लस 3, देखो यहां भी हमने 3 प्लस किया और यहां भी. ओके, वी हैव एडेड 3 बोथ द साइड्स. नाउ दिस माइनस 3 एंड प्लस 3 विल बी कट, रिमेनिंग ओनली 2x इज इक्वल टू 7 प्लस 3 10. ओके, सो x इज इक्वल टू 10 अपॉन ये 2 जो है उसको हम यहां पर लेके जाएंगे. ओके, मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी डिवाइड में आ जाएगा 2. नाउ x इज इक्वल टू, वी विल कैंसल इट. ओके, 2 5 जा 10, सो x इज इक्वल टू 5. ओके, जो ये एग्जांपल 1 था, चैप्टर नंबर 2 एग्जांपल 1, उसका हमने जो फाइंड करना था सॉल्यूशन ऑफ 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7, वो हमने यहाँ पर सॉल्यूशन ला दिया है, दैट इज x इज इक्वल टू 5. देखो बेटा, अभी हम सॉल्यूशन, ये जो क्वेश्चन था ना 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7, उसमें ये x की वैल्यू अगर हम रखते हैं तो 2 2. ओके, x के बदले रखेंगे 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 7, 2 5 जा 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7, तो 10 माइनस 3 दैट इज 7 इज इक्वल टू 7, हमने कर दिया ये कंप्लीट. ओके, तो हमको अभी ये नहीं करना है, ये जो हमने, मैंने आपको एक्स्ट्रा में जो ये नॉलेज दिया है, समझाया है हमको, टिल हियर s इज इक्वल टू 5, यहां तक हमको इसका आंसर सॉल्यूशन जो है वो सॉल्व करना है, फाइंड आउट करना था. ओके, सो हियर आवर एग्जांपल 1 इज ओवर. ओके बेटा, इंशाल्लाह इन आवर नेक्स्ट सेशन वी विल गो फर्दर एंड डू मोर एंड विल डू मोर एक्सरसाइज. ओके, मोर एग्जांपल एंड सॉल्व देम. ओके बेटा.